खेल के दिखाओ, खेल के दिखाओ, जरा खेल के दिखाओ। वाह बच्चों, और इसमें स्पिनर और दे दीजिए इन बच्चों को, खेलेंगे ये लोग। नहीं बड़े बच्चों को मिलेगा, सिर्फ स्पिनर लड़कों को और बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को। इसके लायक हमारे पास दूसरी किताब है, मैं दे रही हूँ। दे रहे बेटा, तुम्हारे लायक हम दूसरी बुक दे रहे हैं बेटा, ठीक है, रुक जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मौनकला। आज अपने इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हमने बाल दिवस मनाया और छोटी छोटी खुशियाँ मनाई बच्चों के साथ। तो हम सबसे पहले अपने सोसाइटी के मंदिर में माथा टेक कर बच्चों के लिए बिस्किट्स, एक्टिविटी बुक्स, ड्राइंग बुक्स, कलरिंग बुक, कॉपियाँ, टॉफियाँ, कुछ खिलौने, इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें, पेंसिल बॉक्स लेकर निकल पड़े अपनी सहेलियों के संग चिल्ड्रंस डे मनाने। ये हमारे लिए बहुत ही यादगार चिल्ड्रंस डे रहा। जरा मनीषा की स्माइल पे भी गौर करिए। तो इस तरह हम चारों सखियां निकल पड़े बच्चों की तलाश में तनुजा जी की गाड़ी में। बहुत ही आनंद आ रहा था हम लोग को, जगह जगह हम लोग रुक रहे थे, बच्चों की तलाश कर रहे थे। चला के दिखाओ, इधर आओ, चला के दिखाओ मैं जरा। देखो अच्छा लग रहा है तुम्हें? अरे वाह, तेज तेज चलाओ, तेज। ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ अब चल रहा है ना, खुश हो? चलो अपने और बच्चों को बुला के लाओ, सारे बहन भाई जितने भी हैं सबको, बच्चों के लिए कुछ लाए हैं इसलिए सबको बुला लाओ। जाओ बच्चों, जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तभी देंगे हम, एक जनों को नहीं देंगे, सबको बुला के लाओ। आंटी है किसे दे रही? हाँ दे रहे हैं, कॉपी चाहिए कि किताब? दो में दे दो, लिखने के लिए भी चाहिए, पढ़ने के लिए। हाँ आपने देखा, हम बच्चों के संग इतने खो गए कि कैमरा भी हमारा उल्ट हो गया। सारे बच्चे आ जाओ भाई, जितने भी आ सकते हो, सबको मिलेगी टॉफी भी मिलेगी, बुक्स भी मिलेंगी। रास्ते भर हमें जितने भी बच्चे मिले उन सबको तो हमने दिल भर के खुशियाँ बांटी ही, उसके अलावा हम एक एनजीओ में भी गए, वहाँ पर भी हमें जितने भी बच्चे दिखे उस समय उन सब के संग भी हम भी हमने अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ बांटी, उनको कुछ उपहार दिए, उनसे उनकी क्रिएटिविटी देखी, उनकी क्या वो करते हैं, उनसे बातें करी, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी जानी। और कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिले जो कि जब हम कुम्हारों की बस्ती में गए थे तो वहाँ पर हमें कुछ बच्चे ऐसे दिखे जो कि इंग्लिश की बुक्स मांग रहे थे हमसे। वो बोले कि हमें हिंदी तो आती है लेकिन आप हमें इंग्लिश की थोड़ी सी बुक दीजिए जिससे हम राइटिंग और इंग्लिश का कुछ पढ़ सकें, लिख सकें। तो वो देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हमने स्कूल के बच्चे भी ऑटो में जा रहे थे उनको रोक कर भी बुक्स दी, कॉपियाँ दी, बहुत अच्छा लगा। उनमें से ही एक बच्चा ऐसा था जिसने हमसे बुक्स लेने के लिए मना कर दिया, और पता है क्यों?
उसने कहा कि मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी कि ये तुम कहाँ से लाई हो, तुमने किसी की चोरी तो नहीं की, हमने तो तुम्हें दी नहीं। तो उसकी ये बात हमारे दिल को इतनी छू गई। फिर हमने उसे जब समझाया कि बेटा अपनी मम्मी को बोलना कि आपको ही नहीं मिली है, सभी बच्चों को एक कुछ आंटियाँ आकर दे के गई हैं बुक्स, तब वो खुश हो गई और फिर उसने कहा ली। मतलब बच्चों को हम लोग ही नहीं, सभी लोग अपने बच्चों को अगर इस तरीके के संस्कार दें तो कितनी अच्छी बात है। बच्चों का विकास बचपन से ही होता है, उनको बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं, उनको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो सारे लोग खुश रहेंगे, सारे लोग अच्छे विचारों वाले होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि आप लोग भी जो सोचते ही रहते हैं वो थोड़ा सा आगे आए और इस तरीके के कार्य करके लोगों के चेहरे पे खुशियाँ लाएं। सबर से बाहर करो, इधर आओ। यहाँ हम सब ने अपनी प्यारी सी छोटी बहन श्वेता को भी याद किया, वो भी आती तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन श्वेता, तुम्हारा सामान हमने बांट दिया बच्चों को और बच्चे बहुत खुश थे। लो बेटा कलरिंग, ड्राइंग करोगे? हाँ भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इनको कभी कुछ यूं ही उपहार देकर देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखकर अगर आपका मन प्रफुल्लित ना हो जाए तो कहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।